Hello students. So today we are going to learn about cyber tools, chapter 9. So in this chapter we are going to cover cloud computing, Google Drive, OneDrive and Google Maps. So firstly, cloud. Cloud is defined as a set of hardware, networks, storage, applications and services combined together to deliver different aspects of computing as a service over a network or the internet. An application such as email, web conferencing, customer relationship management, all run in cloud. So cloud एक तरीके का आप बोल सकते हो set of hardware, network, storing करने के लिए application को combine करने के लिए सारी चीजों को use होता है. ठीक है, ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, जैसे ईमेल हो गया, वेब कॉन्फ्रेंसिंग हम यूज करते हैं, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें क्लाउड के अंदर आती है. देन वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग. सो दिस इज द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. यू कैन सी देयर आर सम डिवाइसेस. डिवाइसेस हैं यहाँ पे, राइट, लैपटॉप्स हैं, फोन्स हैं, टैबलेट, डेस्कटॉप सर्वर्स. और यहाँ पर थ्री लेयर्स ही हुई है, एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. एप्लीकेशंस में है मॉनिटरिंग, कंटेंट, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंस. प्लेटफॉर्म्स में है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, आइडेंटिटी, रन टाइम, क्यू, डेटाबेस. इंफ्रास्ट्रक्चर में है कंप्यूट, ब्लॉक स्टोरेज एंड नेटवर्क. ओके, नाउ व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज रेफर्स टू मैनिपुलेट, कॉन्फिगरिंग एंड एक्सेसिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन विदाउट इंस्टॉलिंग दैट. कोई भी चीज है बच्चों, वो आप ऑनलाइन ही यूज कर सकते हो, आपको वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इससे आपका स्टोरेज डाटा भी बच जाता है, स्पेस जो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में होती है वो भी बच जाती है. सो मोर ओवर, दिस सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, मेमोरी एंड प्रोसेसिंग अलाउ एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटिंग. इट्स मेक द बिजनेस एप्लीकेशंस मोबाइल एंड कोलैबोरेटिव. इट इज अ मॉडल फॉर अनेबलिंग कन्वीनियंट and on-demand network access to a shared pool of computing resources that can be released with minimum efforts or service provider interaction. So, ये एक centralized storage होता है जिसमें हम चीजें store कर सकते हैं. ये memory की तरह भी treat हो जाता है, process करता है different चीजों को. Cost effective computing होती है और ये क्या करता है, business applications को क्रिएट करने में या कोलैबोरेट करने में हेल्प करता है. एंड इट इज अ मॉडल, ये एक तरीके का मॉडल है फॉर अनेबलिंग कन्वीनियंट एंड ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस करने के लिए शेयर्ड पूल को और कंप्यूटिंग रिसोर्सेस जो भी आपको रिलीज करने हैं, यूज करने हैं मिनिमम एफर्ट्स के साथ. ओके, देन वी हैव ऑनलाइन शेयरिंग. ऑनलाइन शेयरिंग इज लाइक a file with, you are sharing a file with one or more user through the internet and it involves storing and accessing a file such as documents, photos, videos, etc. We can see here. And cloud based, it is a cloud based thing, just such as Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropdown, etc. are some common example of cloud storage for user. Okay, and to share files on cloud storage, users are first required to upload the file on the cloud server. And after that, you can get the URL and then you can share with anybody. Now, what is Google Drive? So, Google Drive is a free online storage service provided by Google that allows you to store files securely. ये एक बच्चों ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है, स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जो हमें गूगल प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं फाइल्स को सिक्योरली क्लाउड पर इंटरनेट कनेक्शन के साथ. इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप यहाँ पे चीजें अपलोड करते हो, यूज करते हो. एंड यू कैन एक्सेस योर फाइल्स एनी टाइम एंड एनी वेयर फ्रॉम एनी डिवाइस. आप अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हो किसी भी टाइम, कहीं से भी, किसी भी डिवाइस. जैसे आप कंप्यूटर में यूज कर सकते हो, स्मार्टफोन्स, फोन्स में, टैबलेट्स में, क्लाउड्स के थ्रू. ओके, सो एक ये बैकअप आपका इंटरनेट पे ही बन जाता है. ठीक है, सो बस आपको इंटरनेट की जरूरत होती है वो चीजों को एक्सेस करने के लिए. तो दिस इज द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके,
आप किस तरह चीजें कर सकते हो। यहाँ पे आप ये डॉट्स देख रहे हो, उस पर क्लिक करके आप ड्राइव पे जाओगे। ठीक है, ड्राइव पे क्लिक करोगे तो आपका ड्राइव ओपन हो जाएगा, और फिर फाइल अपलोड पे क्लिक करोगे सो यू कैन अपलोड द फाइल। दीज आर द प्रॉपर स्टेप्स विच यू आर गोइंग टू फॉलो। फर्स्टली यू हैव टू साइन इन इन योर गूगल और जीमेल अकाउंट। देन यू हैव टू गो टू गूगल एप्स लॉन्चर, सेलेक्ट द ड्राइव आइकन, द गूगल ड्राइव विंडो ओपन, एंड टू अपलोड अ फाइल टू योर ड्राइव चूज द अपलोड फाइल ऑप्शन फ्रॉम माई ड्राइव ड्रॉप डाउन लिस्ट और क्लिक ऑन द न्यू बटन एंड सेलेक्ट द फाइल अपलोड। एंड एन ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ब्राउजर एंड सेलेक्ट द फाइल्स यू वॉन्ट टू अपलोड एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन। द पॉपअप विंडो अपीयर्स नोटिफाइंग द अपलोडिंग स्टेटस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। वंस कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स द अपलोडेड फाइल विल अपियर इन योर गूगल ड्राइव फोल्डर। सिमिलरली यू कैन अपलोड अ फोल्डर ईदर बाय क्लिकिंग द अपलोड फोल्डर ऑप्शन फ्रॉम द माई ड्राइव ड्रॉप डाउन लिस्ट और बाय सेलेक्टिंग द फोल्डर अपलोड ऑप्शन फ्रॉम द न्यू बटन। बोथ आर देयर, राइट क्लिक करोगे तब भी वहां पे ऑप्शन आएगा, या फिर न्यू पे जाके भी आप अपलोड फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर से वो फाइल सेलेक्ट करोगे एंड यू कैन इजीली अपलोड। सिमिलरली यू कैन अपलोड अ फोल्डर ईदर बाय क्लिकिंग, ठीक है, क्लिक करके भी कर सकते हो और सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। सो द ब्राउजर फॉर अ फोल्डर डायलॉग बॉक्स ओपन, सेलेक्ट द फोल्डर दैट यू वॉन्ट टू अपलोड एंड क्लिक ओके। ठीक है, सो जो ब्राउजर होगा वो डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, उसके बाद वो आपको एक मैसेज बॉक्स दिखाएगा, आपको ओके पे क्लिक कर दोगे। तो एक बार जब आपकी सारी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी बच्चों, आप मैनेज भी कर सकते हो, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो उन फाइल्स को, आप शेयर भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो कहीं से। एंड अगर आपको एडिट करना है फाइल्स को ऑनलाइन, आप वो भी कर सकते हो, फाइल्स को रीनेम कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो इट्स रिक्वायर्ड कन्वर्ट देम इनटू गूगल ड्राइव फॉर्मेट, एंड यू कैन ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप द फाइल फोल्डर टू द गूगल ड्राइव। ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी, जैसे आपकी जो फाइल है वो आपके डेस्कटॉप पे है या फिर आपके किसी भी ड्राइव पे है, और आप क्या करोगे, स्प्लिट कर लो विंडोज को और ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तब भी वो अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट इज वन ड्राइव। वन ड्राइव प्रीवियसली नोन एज स्काई ड्राइव और विंडोज लाइव, स्काई ड्राइव इज अ फ्री ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। एंड इट इज अ सिंगल प्लेस वेयर यू कैन स्टोर ऑल योर फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स एंड मच मोर इन ऑर्गेनाइज मैनर, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, वीडियोस, फोटोज, डॉक्यूमेंट, सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज मैनर में यहाँ पे रख सकते हो, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्टोरेज होती है क्लाउड पे ही, दैट अलाउज द यूजर टू अपलोड एंड सिंक द डेटा टू अपलोड स्टोरेज एंड देन एक्सेस इट फ्रॉम वेब ब्राउजर एनीवेयर। ओके, ये सारे डिवाइसेस पे वर्क करेगी बच्चों, कंप्यूटर हो गया, जैसे पीसी हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, सब पे ही इजिली वर्क करता है। ओके, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफर 5 GB फ्री स्टोरेज स्पेस टू ऑल इट्स वन ड्राइव यूजर। 5 GB जो है वो आपकी जो है माइक्रोसॉफ्ट अपने सारे यूजर्स को फ्री देता है, ठीक है। एंड इट्स प्रोवाइड वेरियस स्टोरेज प्लान एज वेल, अपग्रेड कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। नाउ हाउ यू कैन एक्सेस वन ड्राइव इन विंडोज 10। सबसे पहले यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट, स्क्रॉल डाउन टू वन ड्राइव, द माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव विंडो विल ओपन। स्टार्ट पे क्लिक करोगे फिर स्क्रॉल डाउन करके वन ड्राइव का ऑप्शन आएगा, यू हैव टू सेलेक्ट दैट वन ड्राइव, देन यू हैव टू यूज दैट, क्लिक करोगे सो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। देन यू आर गोइंग टू एंटर माइक्रोसॉफ्ट ईमेल एड्रेस एंड क्लिक ऑन साइन इन बटन, देन एंटर द पासवर्ड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब अपनी ईमेल एड्रेस दोगे, ईमेल एड्रेस देने के बाद आप साइन इन बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद पासवर्ड एंटर करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। द लोकेशन ऑफ योर वन ड्राइव फोल्डर इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, जो भी लोकेशन होगी आपकी वन ड्राइव फोल्डर की वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ दिस फोल्डर बाय क्लिकिंग ऑन द चेंज लोकेशन बटन। आप चेंज भी कर सकते हो लोकेशन को, जैसे कि आपकी जो फाइल की लोकेशन है
कि आपकी जो फोल्डर की वन ड्राइव लोकेशन है, यू वांट टू चेंज दैट. आप क्या करते हैं, चेंज कर सकते हो उसको बाय क्लिकिंग ऑन चेंज लोकेशन बटन एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. चेंज लोकेशन बटन पे जाओगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, देन क्लिक द चेकबॉक्स इन फ्रंट ऑफ सिंक ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स इन वन ड्राइव. क्लिक करोगे जब चेकबॉक्स पे, जब सिंक ऑल फाइल्स पे जाओगे या फोल्डर्स पे जाओगे वन ड्राइव में, एंड दिस विल ऑटोमेटिकली सेव ऑल योर फाइल्स एंड फोल्डर ऑन वन ड्राइव. सिंक कर लेगा जब आप क्लिक करोगे चेक बॉक्सेस पे, फिर क्या करेगा, सिंक कर लेगा आपकी सारी फाइल्स को और फोल्डर्स में जितनी भी फाइल्स होंगी वन ड्राइव में, एंड दिस विल ऑटोमेटिकली सेव ऑल योर फाइल्स. अपने आप ही सारी फाइल्स और फोल्डर सेव कर लेगा वन ड्राइव में. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू ओपन वन ड्राइव फोल्डर. क्लिक ऑन द ओपन माई वन ड्राइव फोल्डर बटन. ठीक है, ओपन करने के लिए वन ड्राइव फोल्डर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे ओपन माय वन ड्राइव फोल्डर बटन पे, एंड टू ऐड एनी ऑफ योर फाइल्स टू वन ड्राइव. अगर कोई भी आपको अपनी फाइल ऐड करनी है वन ड्राइव पे, ड्रैग देम टू योर वन ड्राइव फोल्डर, ड्रैग करके आप वहां पे यूज कर सकते हो. ठीक है, जस्ट ड्रैग कर. नाउ गूगल मैप्स. सो गूगल मैप इज अ फ्री वेब मैपिंग सर्विस दैट provide various type of geographical information and it offers real time traffic conditions and step by step directions to reach a destination by any mode of transportation. So बच्चों ये एक free web mapping service है जो आपको बहुत सारे टाइप देती है geographical information use करने के लिए, आपको अपनी destination तक पहुंचा देती है, and it is an interactive way also. ठीक है, आपको डायरेक्शंस ऑडियो के थ्रू भी मिलती है, एंड इट इज एक्सेसिबल थ्रू योर वेब ब्राउजर और एज एन ऐप फॉर मोबाइल डिवाइसेस. व्हाइल यूजिंग गूगल मैप्स ऑन स्मार्टफोन्स यू कैन गेट इवन बेटर डायरेक्शन. इफ देयर इज अ ट्रैफिक कंजेशन ऑन योर वे, इट विल सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव रूट एज वेल. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग द वे, गूगल मैप विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेस. सो नाउ सी दिस. सो इसमें आप देख सकते हो कि आप किस तरीके से यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है. जैसे कि यू कैन लुक अप द एड्रेस ऑफ द लोकल आइसक्रीम बाय जस्ट सर्चिंग फॉर इट्स नेम. सो आप यहाँ पे मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पे लिखोगे अपनी जो भी आइसक्रीम शॉप का नाम है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको जाना है, योर डेस्टिनेशन नेम शुड बी देयर फर्स्टली. After that, there is a sign, right? वहाँ पे 168 Greville Street. यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जहाँ से आपको जाना है. ठीक है, उसके बाद आप नेविगेशन बटन पे क्लिक करोगे, स्टार्ट बटन. तो ये आपको क्या करेगा, शॉर्टेस्ट रूट दिखा देगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड कलर का बटन है, राइट? तो ये आपकी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आपको पहुंचना है. और जो ये व्हाइट कलर का है, यहाँ से पहुंचना. ठीक है, और ये जो आपको ब्लू कलर दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है. येलो कलर मीन्स लाइट ट्रैफिक, रेड कलर मीन्स हैवी ट्रैफिक. ओके, सो यहाँ से जब आप मूव करना स्टार्ट करोगे, सो यहाँ पे आपको रेड कलर पे हैवी ट्रैफिक मिल सकता है. ओके, एंड इन द सेकेंड पिक यू कैन सी दैट इट्स शोइंग द कितना टाइम है, कितना रूट और बचा है, एंड किस टाइम तक आप पहुंच सकते हो. So it's showing 12 minutes are left, 4.7 kilometers, and 11:33 a.m. You can reach approximate at this time. Okay. And in third वाले में आप देखोगे, तो यहाँ पे ये दूसरी direction दिखा रहा है, right? इस तरीके से. और recenter करोगे तो वापस से वो करेक्ट डायरेक्शन दिखानी शुरू कर देगा. ठीक है, तो कभी कभी आप जब रूट देखने के लिए उसको स्वाइप अप करते हो, राइट लेफ्ट करते हो, तो कभी कभी उसका फोकस हट जाता है. यू कैन क्लिक ऑन रीसेंटर, वो वापस से वहीं पे आ जाएगा. और अगर आपको अब ऐसा लग रहा है कि रास्ता पता है, यू आर जस्ट अ वे अराउंड समथिंग, सो यू कैन एग्जिट एज वेल. ऊपर देखो यहाँ पे एक स्पीकर का साइन बना है, इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको नेविगेशन ऑडियो के थ्रू भी देगा. ठीक है, and these are the steps how to use Google Map. Firstly, visit the link maps.google.com or conduct the search on Google for the name of a location. Various links to Google Map will appear.
या तो आप इस वेबसाइट को यूज करोगे maps.google.com को, या फिर आप क्या करोगे गूगल पे जाके लिखोगे लोकेशन। लोकेशन जैसे लिखोगे बच्चों आपको बहुत सारे रिलेटेड लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन यू हैव टू सेलेक्ट द लिंक, इट विल मूव द लोकेशन पॉइंटर टू द डेस्टिनेशन पॉइंट। ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा लिंक को और वो मूव करेगा लोकेशन पॉइंटर पे, डेस्टिनेशन पॉइंट। देन क्लिक एंड ड्रैग द मैप टू व्यू द एरिया एंड गेट एन आइडिया अबाउट द रूट टू बी फॉलो। क्लिक करोगे एंड ड्रैग करोगे मैप को व्यू करने के लिए एरिया, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस रूट की तरफ आपको जाना है या फिर ऑल्टरनेटिव रूट कौन सा है, ठीक है। एंड यू कैन क्लिक ऑन द जूम बटन एट द लोअर राइट कॉर्नर टू जूम इन द इमेज एंड गेट अ बेटर व्यू। आप जूम पे भी क्लिक कर सकते हो, जूम बटन पे जो लोअर राइट में होता है इमेज के, आपको बेटर व्यू मिल जाएगा। एंड टू व्यू द लोकेशन इन सैटेलाइट व्यू क्लिक ऑन द अर्थ व्यू बटन प्रेजेंट इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अब आपको व्यू करना है सैटेलाइट को, सैटेलाइट व्यू में देखनी है आपको लोकेशन, तो आप अर्थ व्यू पे क्लिक करो। ये होता है लोअर लेफ्ट में, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको ये प्रेजेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ओके। इस तरीके से आप गूगल मैप यूज कर सकते हो। तो गूगल मैप एक फ्री सर्विस है जो आपको प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आई होप दीज स्टेप्स आर ऑल्सो क्लियर टू यू, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस चैप्टर टू यू। थैंक यू।